ऐसा कभी हो सकता है कि भगवान के भक्त बुलाएं भगवान कभी ना आए? कभी ऐसा सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया तो कन्हैया ने क्या किया, गए कि नहीं? नरसी ने बुलाया तो भगवान ने क्या किया, गए कि नहीं गए? ध्रुव ने बुलाया तो भगवान ने क्या किया? प्रहलाद ने बुलाया तो भगवान ने क्या किया? ऐसा तो नहीं है हम और आप दुश्मन हो जो हमारे तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान का कोई दुश्मन तो नहीं है? न तो भगवान ये देखते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, न तो भगवान ये देखते हैं कि ये सुंदर है कि नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान जो सुंदर सुंदर होते हैं उन्हीं के घर भगवान आते हैं, या जो कोई ज्यादा पैसे वाला होता है उसी के घर भगवान आते हैं। अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है उसी के घर भगवान आते हैं। सुदामा का कोई ज्यादा पैसे वाला था? सुदामा पैसे वाले तो नहीं थे। सुदामा की तो हालत वो थी कि सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, और शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं। अगर भगवान पैसे वाले के घर पे आते तो भगवान सुदामा के घर पे क्यों जाते? भगवान सुदामा के जीवन का उद्धार क्यों करते? अगर भगवान को सुंदरता से मतलब होता तो भगवान शिवरी के घर क्यों जाते? भगवान को अगर सुंदरता से मतलब होता। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, ये बताओ कि ये दुनिया सबसे ज्यादा किस चीज से प्रेम करती है? ये दुनिया सबसे ज्यादा किसको ज्यादा लाइक करती है? जिसका तन सुंदर हो का जिसका मन सुंदर हो? ये दुनिया किसको ज्यादा लाइक करती है, जिसका तन सुंदर हो का जिसका मन सुंदर हो? कृपा करके मुझे बताएं, जिसका तन सुंदर हो। दुनिया चाहती है कि जिसका तन सुंदर हो, और भगवान किसको चाहते हैं? जिसका मन सुंदर हो। दुनिया चाहती है जिसका तन सुंदर होता है, और भगवान उसे चाहते हैं जिसका मन सुंदर होता है। तो भगवान को सुंदरता से मतलब नहीं है। और याद रखना, जिनका तन सुंदर होता है ना उनका मन बहुत विचित्र होता है। ये बात आप कहां भूल गए हो? जिसका तन सुंदर होगा उसका मन बहुत विचित्र होगा, और जिसका मन सुंदर होगा उसका तन बहुत विचित्र होगा। जिसका तन सुंदर होता है वो अंदर से कभी सुंदर नहीं हो सकते, और जो अंदर से सुंदर होते हैं वो तन से कभी सुंदर नहीं हो सकते। कि देख लिए तेरी दुनिया वाले मुख जिनके उजले मन बड़े काले। जिसका तन सुंदर होता है उसका मन कभी सुंदर नहीं हो सकता। अब देखिए आप लोग कि भगवान सुंदर के घर नहीं आते हैं। भगवान किसके घर आते हैं? मन के घर आते हैं। मन सुंदर होना चाहिए। प्रमाण के लिए राम कथा में चलिए। राम कथा में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। शिवरी को सभी जानते होंगे, शिवरी को सभी जानते होंगे। शिवरी देखने में कैसी थी? शिवरी का तन बिल्कुल सुंदर नहीं था। शिवरी इतनी गंदी रहती थी, इतनी गंदी रहती थी, जात की भीलिन नारी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ था। तो एक दिन शिवरी के घर पे शिवरी के शादी वाले आ गए। परीक्षित जी, शिवरी के शिवरी जवान हुई तो शादी तो हो गई। तो शिवरी के घर पे शादी वाले आ गए, तो शिवरी की माँ ने शिवरी को स्नान कराया। आंगन में बैठ के शिवरी को सजा रही है। शिवरी ने पूछा, माँ आज तक तुमने मुझे कभी स्नान नहीं कराया, मगर आज क्या कारण है? आज तो तुम बड़े मुझे बड़े मन से सजा रही हो, क्या कारण है? शिवरी की माँ ने कहा, देखो बेटी तुम्हें नहीं मालूम आज तुम्हारी शादी वाले आ रहे हैं। शिवरी बोली, ये शादी क्या होता है?
शिवरी की माँ ने कहा तुम्हें नहीं पता। बोले पता होता तो मैं तुम्हें क्यों पूछती। शिवरी की माँ ने कहा जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद फिर क्या होगा। बोली फिर तुम ससुराल चली जाओगी। फिर बोली ससुराल जाके सास ससुर के पति के साथ में जाके रहोगी फिर क्या होगा। बोली फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद में तुम बूढ़ी हो जाओगी। शिवरी ने कहा फिर क्या होगा। तो शिवरी की माँ ने कहा फिर तुम मर जाओगी। तो शिवरी ने पूछा फिर क्या होगा। तो शिवरी की माँ ने कहा जब मर जाओगी तो फिर दोबारा जन्म लोगी। अच्छा फिर क्या होगा। बोली फिर शादी होगी। अच्छा फिर क्या होगा। बोली फिर मरोगी। शिवरी ने कहा भाई ये तो जीवन बड़ा विलक्षण है, इसमें मरना भी है, जन्म ली भी लेना है, शादी भी होनी है, फिर मरना है, फिर शादी होगी, फिर मरना है, फिर। अरे भाई इस जीवन के झंझट को छोड़ो भाई, हमें तो भगवान की शरण में जाना है, मुझे शादी नहीं करनी। शिवरी ने अपनी माँ से तो नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। आधी रात्रि के समय शिवरी घर से निकल गई। घर से निकल गई, एक ऋषि के आश्रम पर जाके पहुंची। शिवरी वहां पर रहने लगी। तो काफी दिन हो गए शिवरी को रहते रहते। एक दिन महाराज महात्मा जी जो थे उन्होंने कहा शिवरी अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब इस आश्रम से मैं जाना चाहता हूँ। शिवरी ने कहा महात्मा जी जाने को मना नहीं करती, दुख तो मुझे इस बात का है कि इतने दिन आपके साथ हो गए लेकिन आज तक मेरी मन की आस पूरी नहीं हुई। क्या शिवरी तो सारी सारी रात भगवान की तस्वीर देखती रहती थी। हम और आप तो 5 मिनट में ही उब जाते हैं। हमारा 5 मिनट में उब जाते हो और शिवरी तो सारी सारी रात भगवान को देखती रहती थी। तो महात्मा ने कहा तुम चिंता मत करो, एक दिन वो होगा प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे। ऐसा कह के महात्मा जी वहां से चले गए। अब शिवरी सोचती है वो दिन कौन होगा जिस दिन महात्मा की बात सत्य हो जाएगी। शिवरी पर यहाँ तक हुआ कि शिवरी पर बुढ़ापा आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शिवरी से महात्मा जी ने कहा था इस रास्ते से भगवान आएंगे तो शिवरी एक दिन की बात छोड़ो रोज आना वहां तक झाड़ू लगाने जाती है। भगवान आए तो शायद उनके पैरों में कहीं कंकड़ न लग जाए, भगवान आए तो उनके पैरों में कांटे न लग जाए, शिवरी रोज आना वहां तक झाड़ू लगाती है। याद रखना भगवान से कितना प्रेम है। सोचती है शिवरी कपिलिन झाड़ू लगा रही है कि भीलिन बुहारे रास्ता और आवेंगे राम जी। भीलिन बुहारे रास्ता आवेंगे राम मुझे दर्शन देने आएंगे। हो भीलिन बुहारे रास्ता आवेंगे राम जी। भीलिन बुहारे और सोचती है हो जीवन के दुख दूर मेरे कर देंगे राम जी। भीलिन बुहारे रास्ता
मन के दुख दूर मेरे कर देंगे राम जी। जीवन के दुख दूर मेरे कर देंगे राम जी। भगवान की एक दिन वो हो गया जो महात्मा की कही हुई बात बिल्कुल सच हो गई। क्या देखा? दूर से शिवरी ने देखा, पीले लाल पीतांबर दिखाई दिए, तो शिवरी दौड़ के प्रभु श्री राम के चरणों पे गिर पड़ी। राम जी ने उठा करके शिवरी को छाती से लगा लिया। आज शिवरी राम जी को कुटिया पर लेके आई है। अब ध्यान देना सभी भक्त, अब शिवरी ने सोचा भगवान को क्या खिलाए। छबरिया लेके बाग में पहुंची, बेर तोड़ती जा रही है, छबरिया में रखती जा रही है। अब कैसे बेर तोड़ रही है? पहले शिवरी खुद बेर तोड़ के खा लेती है, पहले खुद खाती है, खट्टा होता है फेंक देती है, मीठा होता रख लेती है। शिवरी पहले खुद खा के देख रही है मीठा है कि नहीं, खट्टा होता है फेंक देती है, मीठा होता है रख लेती है। एक बात तो है, याद रखना, जो चीज हमें पसंद नहीं है तो भगवान को कभी अच्छी नहीं लग सकती है। जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो वो चीज भगवान को भी नहीं अच्छी लगती। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, बहुत सी माताएं ऐसा करती हैं कि ऐसी चीज हमें पसंद नहीं है, चलो भगवान के दरबार में दे आए। कसम से नोटबंदी हो गई तो तमाम लोगों ने नकली रुपए चढ़ा दिए, तमाम लोगों ने नकली रुपए चढ़ा दिए। अब बताओ, तुमने वो नकली रुपए नहीं चला पाए तो भगवान के दरबार में चला गया। याद रखना, अगर तुम नकली भगवान को दोगे तो नकली तुम्हें भी भगवान देगा, देर नहीं करेगा। तो जो चीज तुम्हें नहीं अच्छी लगती है वो चीज भगवान को भी नहीं अच्छी लग सकती है। शिवरी राम जी को बेर खिलाती है, दोबारा फिर खा के देखती है और फिर राम जी को खिलाती है। राम जी बड़े मन से खा रहे, राम जी बड़े मन से खा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भाभी जी कहाँ चली गई, भैया की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। देखो ये कितनी गंदी है, इसके हाथ के छुए चना न चबे जाएं, और देखो कैसे बेर खा रहे हैं, इनकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। राम जी बोले भैया लक्ष्मण खा के तो देखो, अगर मुंह का स्वाद न बदल जाए तो हमसे राम मत कहना। लक्ष्मण ने कहा तुम तो कह रहे का स्वाद बदल जाएगा, और हम ये कह रहे हैं कि जो मेरे पेट में है ना वो सब अंदर आ जाएगा, इतनी खराब है ये, मैं नहीं खाऊंगा। राम जी ने जबरदस्ती दी है, खा के तो देखो। याद रखना, लक्ष्मण ने राम जी से छिपा के वो बेर पीछे फेंक दिए। और याद रखना, जो भगवान से छिपा करके काम करते हो और वो काम तुम्हें जरूर ही करना पड़ेगा। वही बेर आकर के संजीवनी बूटी बने जो लक्ष्मण को बाद में खानी ही पड़ी। बोल वाके बिहारी लाल की। इसीलिए भगवान उसको चाहते हैं जिसका मन सुंदर होता है, और ये दुनिया उसको चाहती है जिसका तन सुंदर होता है। आइए तालियों का सारा देकर के भगवान का भजन बोले सभी भक्त। उसके बाद बड़ी सुंदर भगवान की पावनमयी कथा।